अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लिप स्क्रब और लिप ऑयल। आप किस तरह से अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा स्मूथ पिंक बना सकते हो इन दोनों चीज़ों के साथ। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूंगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें लेना है एक बाउल, उसमें हमें ऐड कर देनी है 2 टेबल स्पून शुगर, यहाँ पर मैंने नॉर्मल शुगर ली है, आप इससे फाइन वाली भी ले सकते हो। फिर हमें इसमें ऐड करना है आलमंड ऑयल, तो 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब हमें इसमें ऐड करनी है वैसलीन, तो 1/2 टीस्पून हम इसमें वैसलीन डाल देंगे। अब हमें इसमें ऐड करना है रेड फूड कलर, तो आपने इसमें लिक्विड फूड कलर ही ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने 5 ड्रॉप्स फूड कलर की ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अभी इस स्क्रब को आपने 5 मिनट के लिए अपने लिप्स पे स्क्रबिंग करनी है। इसकी हेल्प से आपके लिप्स पे डेड स्किन वगैरह है वो रिमूव हो जाएगी। तो इसको अप्लाई करने से आपके लिप्स पे एक बहुत ही खूबसूरत सा शेड भी आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो इंस्टेंट आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिप्स बहुत ज़्यादा रोज़ी पिंक और स्मूथ हो गए हैं। तो इसको रखते हैं साइड पर और अब हम आ जाते हैं सेकेंड रेमेडी की तरफ, जो कि है हमारा लिप ऑयल। उसके लिए आपको लेना है ग्लिसरीन, तो 1 टीस्पून हम इसमें ग्लिसरीन ऐड कर देंगे। अब हमें इसमें ऐड करना है इवियोन कैप्सूल, विटामिन ई का है ये, 1 कैप्सूल ऐड कर देंगे। फिर हमें इसमें ऐड करना है रेड फूड कलर, 2 ड्रॉप फूड कलर ऐड कर दिया हमने इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो इस लिप ऑयल को अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले अपने लिप्स पे स्क्रबिंग करनी है इस स्क्रब के साथ जो अभी हमने बनाया था। इसको आपने 5 मिनट के लिए अपने लिप्स पे अच्छी तरह से स्क्रब करना है। उसके बाद आप ये लिप ऑयल अप्लाई कर लें अपने लिप्स पर। आप इसको दिन में 2 से 3 बार आराम से कर सकते हो, लेकिन इसके अमेजिंग रिजल्ट्स जब आएंगे जब आप इसको रात में अप्लाई करोगे तो। और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो 1 हफ्ता 10 दिन, ये फ्रिज में ख़राब नहीं होंगी दोनों चीज़ें। तो गाइज, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।